जब चोर और चोरनी पोपट भाई से उलझ रहे थे तो मैं अरे तू जा इससे मैं सब कर दूंगा लेके जा इससे तो मैं सब कर दूंगा अरे तू छोड़ दे तू अरे तू जा इतना मैं खींच से मैं सब आता हूं अरे मैं कैसे उठा चला ये दोनों कौन है वाओ अब्दुल भाई आप कार के डिक्की में छुप गए थे वो छुप गए भाई अब्दुल भाई और आप कार की डिक्की में कितनी देर तक बंद रहे बहादुर है आप बहादुर है अरे भाई क्या बहादुर हो ना समझ है मैं अब्दुल जब तूने देखा था कि मैं चोरों के साथ उलझा हुआ हूँ और तू गेट पर पहुँच गया था तो मुझे मदद करने के लिए आगे आना चाहिए पोपटलाल तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो अब्दुल ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया कैसे अरे क्या कैसे अगर वो चोर तुम दोनों को धक्का देकर भाग जाते तो बिल्कुल तो अब्दुल ये वापस थोड़ी ला पाता लेकिन अब्दुल तुमने इन चोरों को पकड़ा कैसे मैं कार के डिग्गी में था और कार रोड पे जा रही थी लोग कहाँ जा रहे कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा क्या करूँ अरे मेरा फोन तो मार के थ्री नहीं ले गया ये कार कहाँ रोक दी अरे विक्की यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी अरे मोना डार्लिंग अब तक तो पोपटलाल ने गोकुलधाम में पुलिस भी बुला ली होगी अच्छा तो इनका नाम मोना और विक्की है और इन्होंने मेरी गोकुलधाम की बहनों को लूटा है लेकिन अगर शायद पोपटलाल या किसी और ने गाड़ी का नंबर प्लेट चेक कर लिया होगा तो वेरी सिंपल हर बार की तरह नंबर प्लेट बदल देंगे और हाँ वैसे भी हमारी गाड़ी की डिक्की में काफी नंबर प्लेट है ना चल अब ये लोग डिक्की खोलेंगे कहीं मुझे देखकर डिक्की बंद ना कर दे जैसे ही डिक्की खोलेंगे मैं अटक कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा अबे तू मुझे क्या पूछ रहे मुझे कैसे पता है डिक्की में आया अब्दुल डिक्की में कैसे आया ये बस सोचो तुम लोगों का क्या होगा वो सोचो गोकुलधाम की बहनों को लूटते हो शर्म नहीं आती अब मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को पुलिस स्टेशन अबे तू हमें पुलिस स्टेशन ले जाएगा अबे तू बच्चा है हमारे लिए पुलिस हमें नहीं पकड़ पाई और तू हमें ओह मैडम पीछे हटो मैं लड़कियों से नहीं लड़ता हाँ चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो तू जल्दी से खेला अबे पोपटलाल कुछ नहीं कर पाया तू क्या करेगा अबे चले ये अब्दुल अब तू क्या करेगा अरे बोला जल्दी कर पर अपनी बहनों की तरह हो जा बेहोश सॉरी विक्की ओह माय गॉड मोना किम सॉरी विक्की मोना सॉरी विक्की क्या किया मोना सॉरी विक्की सॉरी अब्दुल भाई सॉरी ओहो अब्दुल से अब्दुल भाई हो गए अब्दुल भाई मैं क्या कह रही थी हमारे पास 15-20 लाख का माल है बस में बांट लेते हैं ना बात खत्म आप 60% रखिए हमसे 40 रख लेंगे गुड आइडिया आइए गाड़ी में बैठिए गाड़ी में बैठिए अब्दुल भाई पार्टनरशिप पक्की ना ये लीजिए ये लीजिए लीजिए अब्दुल भाई दीजिए सुन लीजिए अब्दुल भाई सुनिए हाँ और जब तक ये लोग होश में आए मैं उनको यहाँ पर लेके आ गया और आप सबको बुलाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था अब्दुल भाई कहना पड़ेगा आपकी वजह से ये चोर पकड़े गए रस अब्दुल भाई थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू शांत हो जाइए
आप इस तरह सबूत को अपने गोद में नहीं उठा सकते। आप सबूत को नीचे रखिए, नीचे रखिए। अब्दुल है। अरे पर सबूत पकड़ा ना। अब्दुल मियां, जब तुमने इन चोरों को पकड़ा, इनको सीधे पकड़ कर पुलिस स्टेशन लाना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों ले आए? ये पुलिस स्टेशन है क्या? पांडे जी, वो दिमाग में इतना टेंशन था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। हाँ, वो थोड़ा टेंशन में आ गया। ऐसे हालत में इसकी तरफ से हम सॉरी बोल देते हैं। क्या ठीक है? जिस तरह तुम सावधान थे ना अब्दुल, अगर इस शहर का हर नागरिक सावधान हो जाए ना, इस शहर में एक भी चोरी ना हो। डॉक्टर साहब, मुझे तो मेरी जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपको आपकी जिम्मेदारी निभाने का पूरा मौका दूंगा।